लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। संस्कारियों का संस्कार मैं ही तो हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। माता के कहने पर रुका उत्तम महाराज ध्रुव को व्यग्र करके बाहर निकल जाता है। सुरुचि के बाद उत्तम द्वारा भी अपनी उपेक्षा देखकर शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। विमाता सुरुचि को संतुष्ट कर ध्रुव उत्तम को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर राजमाता सुनीति अपने कक्ष में विचार मग्न बैठी हैं। राजमाता, राजमाता, हाँ
दिन ढलने को आया और आपने अभी तक भोजन नहीं किया। मन ही नहीं हुआ निर्मला। राजमाता, रुष्ट ना हो तो एक बात पूछूं? पूछो निर्मला। हो सकता है तुम्हारे बात करने से मेरा भटकता हुआ मन शांत हो जाए। मैं पिछले काफी लंबे समय से देख रही हूँ कि आप प्रसन्न नहीं रहती। आपको किस बात की चिंता है राजमाता? तुम इन बातों को ना ही जानो तो अच्छा है। क्यों, मैं आपकी दासी हूँ इसलिए आप ऐसा कह रही हैं? नहीं नहीं निर्मला, कौन कहता है तू मेरी दासी है? तू तो मेरी सखी है। तो फिर आप अपने दुख मुझसे क्यों नहीं बांट लेती? कह देने से मन का दुख और चिंता दोनों ही समाप्त हो जाती हैं राजमाता। जानती हूँ निर्मला, पर क्या, कहना नहीं चाहती, स्वयं में ही घुलती रहना चाहती हैं ना आप? निर्मला, न जाने क्यों उत्तम के व्यवहार को देखकर मुझे चिंता होती है। महाराज उत्तम का व्यवहार, ये आप क्या कह रही हैं राजमाता? हाँ निर्मला, मैं सच कह रही हूँ। पुत्र ध्रुव उत्तम को बहुत अधिक चाहता है। महाराज उत्तम भी तो अपने बड़े भाई महाराज ध्रुव को कुछ कम नहीं चाहते हैं। प्रेम तो करता है पर उसके मन में कांटा है। प्रयास करने पर भी कांटा निकलने का नाम ही नहीं लेता। मैं कुछ समझी नहीं। उत्तम को देखकर न जाने क्यों बार बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ध्रुव के महाराजाधिराज बनने पर वो प्रसन्न नहीं है। राजमाता। हाँ निर्मला, इसलिए वो यहाँ नहीं रहता, बाहर भटकता रहता है। मैं अपने पुत्र ध्रुव को जानती हूँ, वो उत्तम को अपने से अधिक सम्मान देता है। राजमाता, तो क्या महारानी सुरुचि भी? निर्मला, बहन सुरुचि भी उत्तम के व्यवहार से कम दुखी नहीं है। मैं तो अपने आराध्य भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि वे मनुवंश पर सदा ही कृपा बनाए रखे और उत्तम को सद्बुद्धि दे। प्रणाम माताश्री। प्रणाम। तो माता सुरुचि के समान आपको भी भैया उत्तम की चिंता सता रही है माताश्री? आओ पुत्र ध्रुव, क्या तुम? नहीं माताश्री, मैं अभी भी माता सुरुचि से मिलकर आ रहा हूँ। मैंने निश्चय किया है कि। क्या निश्चय किया है ध्रुव? ऐसा कुछ नहीं करना जिससे सुरुचि को कष्ट हो। माता, किसी को कष्ट पहुंचाने वाले संस्कार आपने मुझे दिए ही नहीं है। मैं तो माता सुरुचि को प्रसन्न करने का उपाय सोच रहा हूं। इस समय मैं आपके पास आज्ञा और आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ है, पर तुम आज्ञा किस बात की मांग रहे हो? माता श्री, मैंने निश्चय किया है कि राज सिंहासन उत्तम को सौंपकर मैं अपने पितामह और पिताश्री के समान वानप्रस्थ आश्रम में चला जाऊंगा। इससे हमारे मनुवंश की महान परंपरा का पालन भी होगा और भैया उत्तम के मन का कांटा सदा सदा के लिए निकल जाएगा। आप मान क्या है माताश्री? क्या आप मेरे निश्चय से सहमत नहीं? प्रश्न सहमति का नहीं है पुत्र, प्रश्न है परंपराओं का, प्रश्न है प्रजा का, प्रश्न है न्याय का। आज तक मनुवंश की परंपरा रही है कि पिता अपने पुत्र को राज्यभार सौंप कर वन के लिए प्रस्थान करता है। छोटा भाई भी पुत्र के समान प्रिय होता है माताश्री। राजा के लिए प्रजा भी पुत्र के समान ही होती है और हमारी प्रजा प्राणों से अधिक तुमसे प्रेम करती है। जनमत की इच्छा के बिना इतना बड़ा निर्णय लेना अनुचित होगा। निश्चिंत रहे माताश्री, मैं अपने प्रजाजनों की अनुमति लेकर ही इस बात का अंतिम निर्णय करूंगा। मैं जानता हूं मेरी प्रजा मेरी विनती को कभी अस्वीकार नहीं करेगी। अब मुझे आज्ञा दे माताश्री। ध्रुव, तुम सचमुच उत्तम को राज्य का स्वामी बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, परंतु वन जाने का विचार तुम्हें त्याग देना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं माताश्री? बिना मेरे वन जाए भैया उत्तम राज सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे? हम सबके समझाने पर वो अवश्य स्वीकार करेगा। परंतु इस आज्ञा का कोई विशेष कारण?
पुत्र ध्रुव, उत्तम में वो योग्यता नहीं है जो प्रजाजनों को सुशासन देकर प्रसन्न रख सकें। उसे राजपथ पर बिठाकर भी सारा राजकाज तुम्हें ही संभालना होगा। ध्रुव, प्रजाजनों को सुखी और प्रसन्न रखना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा माताश्री। प्रणाम। ध्रुव, इस समय कहाँ जा रहे हो? माता, मैंने माता सुरुचि को वचन दिया है कि भैया उत्तम को खोजकर लाऊंगा, वो ना जाने कहाँ चला गया है। मुझे आशीर्वाद दे माताश्री। नमो नारायण। मनुवंश के भगवान आराध्य विष्णु तुम्हें सफल करें। प्रणाम। महाराज ध्रुव की जय हो। महामंत्री जी, आप तो महाराज उत्तम की खोज में गुरुकुल जाने वाले थे, क्या महाराज उत्तम गुरुकुल से लौट आए हैं? क्षमा करें महाराज, महाराज उत्तम तो गुरु आश्रम गए ही नहीं, स्वयं गुरुदेव उनके लिए चिंतित थे। क्या गुरुदेव ने भैया उत्तम की कुशलता के लिए कोई उपाय किया? किया महाराज, गुरुदेव ने कुछ पूजा एवं अनुष्ठान प्रारंभ किए हैं, परंतु स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब भैया उत्तम को गुरु आश्रम में जाना ही नहीं था तो माता सुरुचि से गुरु आश्रम में जाने की बात क्यों कही? ये तो मैं नहीं जानता महाराज, परंतु लंबे समय से देख रहा हूँ कि महाराज उत्तम व्यग्र और चिंतित रहते हैं। क्या आपने कभी उनके मन की बात जानने का प्रयास नहीं किया? किया महाराज, परंतु वे मुझ पर ही बरस पड़े, कहने लगे मुझसे कुछ भी पूछने का व्यर्थ प्रयास ना करें। महाराज की जय हो। क्या समाचार लेकर आए हो सेनापति? महाराज, महाराज उत्तम को कुछ लोगों ने यक्षभूमि की ओर जाते हुए देखा है। यक्षभूमि की ओर? उत्तम को यक्षभूमि की ओर जाने की आवश्यकता ही क्या पड़ी थी, और वो भी हमें बिना बताए? ये तो उचित नहीं होगा महाराज। यक्ष जाति अपने उपनिवेश को स्वतंत्र कराने के लिए पिछले लंबे समय से हमारे विरुद्ध विद्रोह कर रही है। ऐसे में महाराज उत्तम का अकेले यक्षभूमि जाना? नहीं नहीं महाराज, ये उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है, हमें उन्हें रोकना होगा। मैं स्वयं जाऊंगा। आप जाएंगे? मैं स्वयं जाकर उत्तम को यक्षभूमि में जाने से पहले ही रोक लूंगा, जिससे किसी प्रकार की कोई आशंका ही ना रहे। आप जैसा परोपकारी और परहित की चिंता करने वाला मैंने दूसरा नहीं देखा। प्रणाम शनिदेव। महान विष्णु भक्त भक्तराज ध्रुव, कभी मेरी आराधिका रही सुरुचि के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर आज तुम फूले नहीं समा रहे होंगे। शनिदेव, सच्चा हरिभक्त वही होता है जो न प्रशंसा से प्रसन्न होता है और न निंदा से रुष्ट। वो तो अपना सब कुछ अपने आराध्य प्रभु के सामने समर्पित करके सबके हित और परोपकार की बात सोचता है। सबके हित और परोपकार की बात सोचने वाले भक्तराज ध्रुव, अब इन बातों को भूल जाओ। अब तुम केवल अपने सौतेले भाई उत्तम के हित के बारे में सोचो, जिस पर मेरी अर्थात इस संसार के सबसे विध्वंसक विनाशक और भयानक को दृष्टि पड़ चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? मेरे भाई उत्तम ने भला आपका क्या बिगाड़ा है? तो तुमने मेरा क्या बिगाड़ा था ध्रुव? जो मैंने बचपन में तुम्हें यातनाओं का प्रसाद दिया था। अर्थात आप व्यर्थी? व्यर्थ नहीं ध्रुव, व्यर्थ नहीं। शनिदेव का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। जो शनिदेव की आराधना से मुख मोड़ते हैं वो शनिदेव के क्रोध और कोप का पात्र बन जाते हैं। अर्थात आप संसार को अपनी आराधना के लिए विवश कर देना चाहते हैं? ये आपकी भूल है शनिदेव। विवश होकर मनुवंशी मर सकता है, झुक नहीं सकता,
तुम जैसे मनुवंशी और विष्णु भक्तों के झुकने का समय आ गया है ध्रुव। ध्रुव, क्या तुम उत्तम का हित चाहते हो? क्या तुम हमारी भयानक विध्वंसक और विनाशक को दृष्टि से उसकी रक्षा करना चाहते हो? अवश्य, मैं अपने भाई की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकता हूं। ना ध्रुव, ना, प्राणों का बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल विष्णु भक्ति का त्याग करके मेरी आराधना प्रारंभ कर दो, मेरी प्रसन्नता और मेरी कृपा इस राजमहल से दूर चले गए उत्तम को कुछ ही क्षणों में यहां लाकर खड़ा कर देगी। तो क्या आप भी मुझे शनि आराधना करने के लिए विवश कर देना चाहते हैं? फिर वही ध्रुव, विवश नहीं करना चाहता मैं, तो तुम्हारे भाई का हित और उसके जीवन की रक्षा करने का उपाय बताना चाहता हूं। ध्रुव, शनि भक्ति से तुम्हें संसार का हर एक सुख मिलेगा, हर एक सुख, और तुम्हारा भाई तुमसे दूर भी नहीं जाएगा। नहीं, कदापि नहीं शनिदेव। जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और कृपा मेरे जीवन का अंग बन चुकी है। भागवत भक्ति की पावन गंगा मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। भाई दिखाकर आप मुझसे अपनी अनुचित मांग पूरी नहीं करवा सकते। सावधान, सावधान, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं ध्रुव। यदि तुम अपने भाई को जीवित देखना चाहते हो तो विष्णु भक्ति का त्याग करके केवल मेरी आराधना करो, अन्यथा तुम्हारे भाई के मृत्यु का कलंक तुम्हारी हरि भक्ति को कलंकित कर देगा। असंभव, जगदीश्वर भगवान की कृपा से मेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा, क्योंकि वो अभागा अब दंड नायक शनिदेव के दंड का पात्र बन चुका है ध्रुव। और तुम ये जो विष्णु भक्ति का राग अलापते हो ना, मैं उसकी कीर्ति को मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। सारा संसार तुम पर थूकेगा ध्रुव, और जो तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकते वे तुम्हें अपने भाई की हत्या करवाने वाला स्वार्थी कहेंगे। नहीं शनिदेव, नहीं, सच्चे भागवत भक्तों को भयभीत करके भागवत भक्ति से डिगाया नहीं जा सकता। अब आप जा सकते हैं और भविष्य में हमारे मनुवंश पर अपनी काली छाया और कुदृष्टि डालने की भूल कभी न कीजिएगा। ध्रुव, भूल तो तूने की है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी ना तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। देवगुरु बृहस्पति, आपके दर्शन पाकर मैं औपचारिकता की बातें बाद में कर लेना नारद, इस समय तो भक्त शिरोमणि महाराज ध्रुव की चिंता करो। नारायण नारायण, भक्त की कैसी चिंता देवगुरु? नारद, भक्त श्रेष्ठ ध्रुव अपने सौतेले भाई उत्तम के विचित्र व्यवहार से चिंतित हैं, और चाहते हुए भी वे उन्हें प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं। नारायण नारायण, भक्त शिरोमणि ध्रुव की चिंता का अंत होना ही चाहिए। तुम इसी समय वैकुंठ लोक जाकर जगदीश्वर भगवान से क्षमा करें देवगुरु, महाप्रभु इस समय वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में नहीं है तो कहाँ है? उनकी तो वही जाने, सारा संसार उन्हीं का तो है, जहां इच्छा हुई होगी वहीं चले गए होंगे। उन्हें खोजना ही होगा नारद। उनकी इच्छा के बिना देवगुरु? भक्ति की शक्ति से उनकी इच्छा को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है नारद। तुम केवल जगदीश्वर के पार्षद ही नहीं, उनके परम प्रिय भक्त भी हो। कहीं ऐसा ना हो कि राहु के उकसावे पर उत्तेजित शनिदेव। नारायण नारायण, तो बात यहां तक आ पहुंची है? हाँ नारद,
नियति राहु और शनिदेव को माध्यम बनाकर ध्रुव और उत्तम के निकट जा पहुंची है। देवगुरु, भले ही नियति अपना खेल दिखाने के लिए राहु और शनिदेव को माध्यम बनाया हो, भले ही नियति उत्तम और भक्तराज ध्रुव के निकट जा पहुंची हो, परंतु नारायण नारायण होगा वही जो देव देवेश्वर भगवान नारायण की इच्छा होगी। इस सत्य से तो हम भी परिचित हैं नारद। परिचित हैं तो विश्वास के सहारे हम कर्म को त्याग कर हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रहेंगे नारद। कर्म और सत्कर्म तो करना ही पड़ता है। जो हमारा कर्म है वो हम करेंगे, जो उनका कर्तव्य है वो करेंगे। तब तो देव देवेश्वर भगवान नारायण का मार्गदर्शन लेना ही होगा। यदि जगदीश्वर ने इसी समय हस्तक्षेप न किया तो कुछ भी हो सकता है। देवगुरु, मुझे आज्ञा दे। मनन है कृतिकार का, सर्वशक्तिमान की व्रत ही